वेलकम बैक टू योर चैनल स्टॉक एट ड्यूरिंग। सो गाइस, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि एमसी क्या होता है, म्यूचुअल फंड में क्या प्रोसेस होता है, उसका कौन उसे चलाता है, एंड बहुत सारे डाउट्स। तो आपकी रिक्वेस्ट को मानते हुए हम लोग एक वीडियो लेके आए हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के रिगार्डिंग। सो आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व कर देंगे, बहुत ही कम टाइम लेंगे आपका। डू वॉच द होल वीडियो। तो हमने जैसे बताया है कि म्यूचुअल फंड के अंदर आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो उसके लिए फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज करता है, ठीक है। प्लान स्कीम आपके भाई कि मुझे लॉन्ग टर्म चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, किस मार्केट में लगाना है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपका फंड मैनेज करता है। बट क्या आपको पता है ये पैसा जाता कहाँ है? तो जाता है एएमसी में, विच इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इट रेफर्स टू द कंपनी विच परफॉर्म्स द वर्क ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द वेरियस फंड ऑफ इट्स क्लाइंट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो डिफरेंट डिफरेंट उसमें लगाएगी, बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में, अलग अलग जगह पे। एक्टिवली मेनली यूजिंग द ब्रोकरेज फर्म और यूजिंग द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, एंड फॉर दिस सिंपल सी बात है, वो फीस चार्ज करेगी। भाई अगर मैं किसी से काम करवा रहा हूँ तो उसको फीस देनी पड़ेगी। अगर मैं उसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे अच्छे रिटर्न दे, तो ऑब्वियसली बात है कि वो मुझसे फीस मांगेगा, ठीक है। तो वो चार्ज अपना हिसाब से, वो उस अगर जितना आप डाल रहे हैं उसके हिसाब से वो लेते हैं। पर्पस क्या है एमसी का? एसेट मैनेजमेंट कंपनीज वो क्या करती है, इन्वेस्टर का कैपिटल लेंगी जो कि उनके पास पैसा है, एंड पुट इट टू वर्क इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप्स, प्राइवेट इक्विटी, ठीक है। देन फंक्शंस ऑफ एएमसी की बात करते हैं, तो फंक्शंस ऑफ एएमसी आपके लेफ्ट साइड में लिस्टेड है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टर अकाउंट्स, फंडिंग वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स, डिजाइनिंग वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स एंड रिटायरमेंट प्लान्स, मैनेजिंग हेज फंड्स, ऑपरेटिंग प्राइवेट इक्विटी फंड्स फॉर एम एंड ए बायअप्स, ठीक है। तो आपके जितने भी ये फंक्शंस हैं, क्या क्या है बेसिकली कि भाई मैं एप्लीकेशन डालता हूँ इस चीज़ का, तो उसका पूरा प्रोसेसिंग, ठीक है, एंड देन फिर जो भी रिसीव करके आपको ड्राफ्ट करना है, आपको सेंड करना है, वो सब ये चीज़ हैंडल करेंगे। इशूइंग यूनिट सर्टिफिकेट्स, ठीक है, यूनिट्स को रीपरचेज करना होगा तो वो ये देखेंगे, रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स, प्रोवाइडिंग द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, एनुअल रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ इनके अंडर आती है। मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट जो चीज़ है, ठीक है, आपका पूरा सेटअप करना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स, ये सब चीज़ ये देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंड स्ट्रक्चर की। तो पिछली जो लेक्चर सीरीज है हमारे, हमने पूरा वीडियोस निकाल रखी है म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, उसमें हमने हर टर्म अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फंड स्पॉन्सर ट्रस्टीज, ट्रस्टीज से एसेट मैनेजमेंट कंपनी, देन डिपॉजिटरी एजेंट, कस्टोडियन, एंड हर एक चीज खुद से इंटर रिलेटेड है। यूनिट होल्डर्स, स्पॉन्सर्स, ट्रस्टीज, एएमसी, ट्रस्टी से कनेक्टेड म्यूचुअल फंड, ट्रांसफर एजेंट, कस्टोडियन, एंड सबको जो रेगुलेटर है दैट इज सेबी। तो वो भी हमने आपको बता रखा है अच्छे से कि सेबी क्या होता है, वो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट का पूरा रेगुलेटर है। देन रूल्स क्या होते हैं एएमसी के, यार अगर मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं ना, तो यहाँ पर भी एएमसी के अंडर भी रूल्स होते हैं। फंड मैनेजर वो पूरा जितना भी एसेट्स हैं उसे मैनेज करेगा एक म्यूचुअल फंड के। एनालिस्ट क्या करते हैं, दे रिसर्च इक्विटीज एंड फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिस्ट वो इवेल्युएशन करेंगे मार्केट कहाँ जाने वाला है, इकोनॉमी किधर जाने वाली है, तो उस चीज़ का इवेल्युएशन करते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग एज अ नेम सजेस्ट, भाई लोगों को पर्सुएट करना है कि हमारी सर्विस लीजिए, हमारे म्यूचुअल फंड जो भी है रिस्पेक्टिव उनका वो लीजिए। ट्रेडर्स एग्जीक्यूट करेंगे ऑर्डर्स, बाय सेल, ताकि अच्छे से रिटर्न्स आ सकें। अकाउंटेंट्स टू ट्रैक एसेट्स, टेक्निकल डिपार्टमेंट, बैक एंड डिपार्टमेंट, पूरा ये डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो इनकी सर्विस ही डाउन हो जाएगी, इनका जो प्लेटफॉर्म है, इनका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई इज इट डिफरेंट। They have larger pool of resources than the individual investor. Obviously बात है, इनके पास ज़्यादा resources हैं, इनके पास अगर इतना अच्छा एक department है तो obviously बात है, नहीं तो अगर मैं या कोई भी अगर हम individually उतरते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, सब कुछ देखना पड़ता है क्या है, बट इनके पास resources काफ़ी होती हैं, इनके connections होते हैं, so they know everything about कैसे handle करना है, कहाँ पे लगाना है। Pooling assets together and paying out proportional returns allows investors to avoid minimum investment requirement often required when purchasing securities on their own, as well as the ability to invest in a larger set of securities within a smaller investment. सिंपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई रिलायंस का एक स्टॉक अगर अभी देखेंगे 2100, ठीक है, 2100 का है, अगर मैं इंडिविजुअली उसे खरीदता हूँ तो मैंने 2100 वहीं पे लगा दिए, ठीक है, बट अगर मैं म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ तो कोई सा भी म्यूचुअल फंड होगा रिलायंस का लेके चल रहा है जैसे भी हिसाब से है, ठीक है, तो 1000 की मिनिमम SIP है जो भी है, ठीक है, वहां पर लगाता हूँ तो उसमें मुझे वो स्टॉक मिलेगा, ठीक है, वो स्टॉक वैसे ही आ गया है, तो उस चीज़ को देखकर जो अगर जिसके पास पैसा नहीं है तो वो इस चीज़ में ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज पोर्टफोलियो में वो आ रहे हैं, हाँ यूनिट्स और उसका जो प्रपोर्शन है वो कम है, बट लेकिन अगर हम वैसे माने तो उनके पास वो चीज़ है,
अपने पोर्टफोलियो के अंदर, उस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के अंदर जो उनके कंट्रोल में है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके प्रोज एंड कॉन्स की, एडवांटेजेस क्या हैं। एसेट्स मैनेज बाय प्रोफेशनल्स, एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो होगा, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा। इम्प्रोवाइज इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, ठीक है, एंड स्पेशलाइज सर्विसेज टू एसोसिएशन एंड ब्रिंग्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड बाइंग पावर। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, रिस्क ऑफ अंडर अचीविंग मार्केट, ऑब्वियसली बता चुका मैं आपको, मे अराइज कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि नहीं इसमें हो, बट वो फंड मैनेजर कह रहे नहीं मुझे तो इसमें करना है, कॉज ये बेटर है, बट आप मानने को तैयार नहीं है, तो ये भी चीज़ें होती है। रिस्क ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटीज, इसलिए एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करता है, फंड मैनेजर अगर किसी चीज़ को चला रहा है तो उसमें ज़्यादा लगाना चाहिए ताकि उसके रिटर्न आप देख पाएं कि कितना कितना रहा है, रेदर देन कि कोई नोविस फंड मैनेजर आया है एंड वो उस चीज़ में उस फंड को मैनेज कर रहा है, तो वहाँ पर आप रिस्क लेंगे। हायर मिनिमम इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे टोटल कितने सारे AMCs हैं, टॉप AMCs कौन कौन से हैं, उनका AUM भी दे रखा है करोड़ में। तो ICICI प्रोडेंशियल म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, रिलायंस, SBI, UTI, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट AMCs हैं एंड उनका AUM क्या है वो भी रिस्पेक्टिवली बता रखा है। तो आप अपनी कंसिडरेशन के लिए देख सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में और करना चाह रहे हैं। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो एंड आपको हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया हो। अगर कोई डाउट हो इसके अलावा भी तो यू कैन राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।